नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम हिम युग में। क्या आपने सोचा कि सूरज की अग्नि शांत हो सकती है कभी? अगर नहीं तो सोचिए, क्योंकि हाल ही में हुए एक रिसर्च में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि साल 2030 तक सूर्य की अग्नि शांत हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके असर से धरती पर हिम युग की शुरुआत हो सकती है। लगभग 60% की कमी आएगी, और ऐसी ही परिस्थितियां 1645 में भी देखी गई थी, और तब धरती पर लघु हिमयुग की शुरुआत हुई थी। मौसम करवट ले रहा है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट बेहद परेशान हैं। और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये जानने के लिए दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौसम में ऐसी ही तब्दीलियां होती रही तो यह धरती एक बार फिर हिमयुग की तरफ लौटेगी। बारिश, सूर्य की किरणें, हवा, नमी और तापमान, ये ऐसे कारक हैं जो किसी स्थान की ऋतु को प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी के अस्तित्व में आने के समय से हो रहा है। ऐसा मानना है कि ये एक प्राकृतिक और साइक्लिक स्थिति होती है कि हिमयुग जो है, पिछला जो हिमयुग समाप्त हुआ 14,000 साल पहले हो चुका है, तो ये एक रोटेशन चलता है। लेकिन आज की परिस्थिति उससे भिन्न है, और आज की परिस्थिति में बहुत सी चीजें उसमें शामिल हैं। इसको आप यह कह सकते हैं कि ग्लेशियर में 1990 से जो आप आंकड़े दिख रहे हैं, जैसा कि धरती वैश्विक तापमान बढ़ा है धरती पर, तो उसके कारण ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं। और इसको 2012 में हमने पहले ही बता दिया कि इतना ज्यादा, और वो भी नासा के डाटा से ही हमने बताया कि इसमें करीब करीब एक तिहाई आर्कटिक सी मेल्ट कर गया। तो अगर कोई चीज वहां से मेल्ट कर रही है और पूरा हमारा आर्कटिक सी जो सतह पूरी ढकी हुई है ग्लेशियर से, और वो मेल्ट कर रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं होना है। दो रूप में होना है, या तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाए। अब भी वो पानी में कन्वर्ट होगा तो अपनी जो तापमान माइनस डिग्री में है 60, 70, 80, 90, वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और इस स्थिति से हम इसको तो जोड़ सकते हैं कि हमारी जो बर्फ लगातार पिघल रही कारण चारों तरफ फैल रहा है। या हम लोगों ने जो बोला है जो हिमयुग आने वाला है, इसका जो टाइम फ्रेम है वो 18,000 साल है, जो मानव जीवन के टाइम स्केल से बहुत बड़ा है। जैसे मानव जीवन मान लीजिए अगर 100 साल का है बाय एंड लार्ज, तो 100 साल की तुलना में 18,000 साल यानी कि और भी 1 मिलियन ईयर्स इज टू फार टू थिंक ऑफ सच ए सिचुएशन। तो इसलिए ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जो ये एक प्रोजेक्शन है निकट जो रिमोट फ्यूचर में, उसको वो इस बात पर निहित है कि पिछले अर्थ की हिस्ट्री में पिछले टाइम में भी इस प्रकार के हिमयुग आए हैं। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे ये साइकिल फिर से रिपीट ना करे।
ऋतु चक्र परिवर्तनशील है। प्राकृतिक रूप से उसमें चक्र में लगातार परिवर्तन होता है। प्रकृति के इन परिवर्तनों का रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में जुट गए हैं। जो पेड़ के चक्रों, बर्फ के किनारों और समुद्र की तलहटियों के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऋतु परिवर्तन के प्रमुख रूप से दो कारक हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के चक्र में एक ही चीज सम्मिलित नहीं है, तमाम सूर्य भी उसके लिए है, उसके लिए ज्वालामुखी भी है। अभी 1891 में एक ऐसी स्थिति आई हुई थी कि ज्वालामुखी फटा और तमाम अंधेरा हो गया। अगर ज्वालामुखी फटने से तापमान भी बढ़ता है, लेकिन अगर बादल के रूप में काफी दिनों तक बहुत क्षेत्रफल में अंधेरा छा जाए, सूर्य की रोशनी नीचे आएगी नहीं, तो पृथ्वी तो ठंडी हो जाएगी। या पृथ्वी के नीचे तमाम, अगर यह परिस्थिति हो जाए, सूर्य का चक्र चले ही ना, तो पृथ्वी तो ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल हिमयुग हो जाएगा। तो ये तो प्राकृतिक की स्थिति है, ऐसी संभावनाएं हो जाती है, लेकिन क्या ये घटनाएं बराबर चल रही है, ये भी सोचने का विषय है। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन के लिए कई दूसरे प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, फिसलन, ज्वालामुखी, समुद्री लहरें, पृथ्वी का झुकाव, धूमकेतु और उल्का पिंड। गौरतलब है जिन महापिंडों से हम परिचित हैं, वे करोड़ों साल पहले तब बने जब पृथ्वी के अलग अलग भाग धीरे धीरे अलग होने लगे। पृथ्वी के इस विखंडन का प्रभाव मौसम पर भी पड़ा, क्योंकि इसने भौतिक विशेषताओं और जल निकायों का स्थान बदल दिया। यही नहीं, इसका असर समुद्र की लहरों और हवा के बहाव में भी हुआ। ऐसा देखा गया है कि पिंड जब अलग होते हैं तो उनके कहीं न कहीं चक्र में कोई न कोई गतिशील स्थिति पैदा होती, टूटते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। ऐसा मानना है कि अमेरिका एक पिंड था और दक्षिण अमेरिका और ये आपके उत्तर अमेरिका बन गया। दोनों को अगर उसको देखें, शक्ल देखें, तो ऐसा लगता है कि वो कभी एक रहा होगा। यही स्थिति अगर भारतवर्ष की देखें तो ये तो अफ्रीका से, वहां से पिंड टूट करके ऐसा माना जाता है कि आ करके यहाँ टकराया और आज स्थिति भारतवर्ष की परिस्थिति बनी हुई है भौगोलिक। और अभी भी देखिए, प्लेटीज का दबाव पड़ रहा है, हिमालय उठ रहा है धीरे धीरे। तो ऐसी प्राकृतिक स्थितियां पूरे बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, जिसपे मौसम पर बड़ा असर होता है, जनजीवन पर बड़ा असर होता है, सारी चीजें बदलती रहती हैं। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो ये वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल और राख फेंकता है। ज्वालामुखी की गतिविधि कुछ दिनों तक ही रहती है, फिर भी गैस और धूल की ज्यादा मात्रा कई वर्षों तक मौसम रचना को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरणों को रोक सकते हैं और वायुमंडल के निचले स्तर में तापमान को बेहद कम कर सकते हैं। में फिलीपींस के माउंट पिनाजोबा में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से वायुमंडल में हजारों टन गैस उत्सर्जित हुई। वहीं दूसरी आश्चर्यजनक घटना साल 1816 ईस्वी में हुई थी, जिसे अक्सर ग्रीष्म ऋतु विहीन वर्ष कहा जाता है। इंग्लैंड
और पश्चिमी यूरोप में मौसम संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। अमेरिका और कनाडा में जानलेवा शीतलहर चली। ये घटनाएं अगर ऐसी ही घटती रही तो धरती एक बार फिर हिमयुग की तरफ लौट जाएगी। जलवायु परिवर्तन पर चल रही बहस में पृथ्वी का तापमान बढ़ने की चर्चाओं के बीच शायद ये सोचना मुश्किल है कि पृथ्वी फिर बर्फ की चादर में लिपट सकती है। यानी हिमयुग लौट सकता है। समुद्र तल से निकाले गए सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी को लाखों साल तक प्रभावित करने वाले बर्फ के बढ़ने और घटने के चक्र के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। पृथ्वी पर बर्फ के बढ़ने वाले समय को वैज्ञानिक ग्लेशियर्स और गर्म विभाग की अवधि को इंटरग्लेशियर्स कहते हैं। जो भी हम जैसा कि अनाप शनाप दोहन हम पृथ्वी से कर करके औद्योगिकीकरण बढ़ाए हैं, वाहनों की संख्या बढ़ाए हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये कह सकते हैं पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करके अगर हम ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से धरती पर इतने है, अब अमेरिका 34% पूरी एनर्जी विश्व की अकेले कंज्यूम करता है और है उसके कितने 34-37 करोड़ आबादी है। यहाँ अगर अकेला एक ही और हम अभी एनर्जी को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं जबकि हमारे करीब करीब 127 करोड़ है, तो ये तो कहीं ना कहीं अगर ये है स्थिति है तो वहां की परिस्थिति ना अमेरिका में ही उस पर असर डालेगी बल्कि उसका असर पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलेगा। ऐसा समझा जा सकता है कि इंटरग्लेशियर्स का समय लगभग 11,000 वर्ष तक रहता है और इस समय चल रहे इंटरग्लेशियर्स के 11,500 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ये कभी भी खत्म हो सकता है। हालांकि ये भी पता चला है कि पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं भी इंटरग्लेशियर्स की अवधि को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है तो वैसे ये समय अवधि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के प्राकृतिक चक्र के अनुसार ही आधारित होती है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक वातावरण में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा काफी बढ़ चुकी है। कंट्री तो हमेशा डेवलपिंग कंट्री को रोकने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर इसको बढ़ाई नहीं। कोई भी कंट्री अगर वो विकासशील है तो वो नेचुरल है रिसोर्सेज उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसको इतना जिम्मेदार मानना तो नहीं है, लेकिन जो विकसित है उस पर विचार मंथन उनको करना चाहिए। अलग अलग स्रोत, आज हम नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या ये आज की घटना हो गई है? ये तो अमेरिका में 1954 में मैरियन किंग हूवर ने पहले बता दिया कि अमेरिका जल रहा है, धुआं जो फैल रहा पूरा अमेरिका बर्न कर रहा, आने वाले 40 साल में स्थिति बहुत ही बदली नजर आएगी, जो हमारे पृथ्वी के अवयव खत्म हो जाएंगे और ऐसा होगा एक दिन आएगा कि जितना आप पैदावार कर रहे हैं उससे ज्यादा कंजम्पशन होने लगे तो धीरे धीरे खत्म होगी। तो ये इसको हम लोगों ने इग्नोर किया है, इसको मानना चाहिए कि हम लोगों ने इग्नोर किया। अगर इग्नोर किया तो उसका भुक्तभोगी आज जो हम हैं हो रहे हैं, आने वाली जनरेशन होगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वातावरण में छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पृथ्वी पर बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं और शायद यही हिमयुग की ओर ले जाए।
वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि सूरज का मूड बदलने और इसकी चमक घटने बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा उपलब्ध वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर हिमालय में हिमयुग की आहट के संकेत मिलने लगे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर सूरज की रोशनी आती है तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मीथेन सारी गैसेस मिल करके और पानी की वेपर मिल करके ये सब ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो आज के दिन में इतना ज्यादा कार्बन की बढ़ोतरी होने से वाहनों और औद्योगिकरण से ये 40-50 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। सूर्य की रोशनी पड़ती तो उसमें ये विकिरण स्थिति पैदा होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होती है, कार्बन उस बनता है और ऑक्सीजन बनता है और उसको वाटर के पार्टिकल बनते हैं। यही पौधे जो नेचर में दे रखे हैं, पौधे ऑक्सीजन कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही है। पौधे चारों तरफ कार्बन को सक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो उनको पत्तों पर धीरे धीरे पानी की बूंदें आती हैं, कार्बन आता है, ऑक्सीजन। तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो धीमे हो जाए उसकी रोशनी, तो ये तो बड़ा विचित्र स्थिति, वो सारा इन्हीं से मर जाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये परिवर्तन ना हुआ तो। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगले 15 सालों में सूरज की तपन मंदी पड़ने वाली है और फिर से धरती पर हिमयुग लौट सकता है। न्यूयॉर्क में हालिया अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है और बताया गया है कि साल 2030 तक सूर्य की आग शांत हो सकती है, और ऐसा हुआ तो इसके असर से धरती पर हिमयुग की शुरुआत हो सकती है। हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि अगले कुछ दिनों में, ये तो लाखों साल मिलियंस ऑफ इयर्स में स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं और पूरा यूनिवर्स घूम रहा केवल एनर्जी पर, और भी सबसे बृहत है इस समय सूरज है। सूरज को ही हम लोगों ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले ईश्वर का रूप दिया है, पानी को ईश्वर का रूप दिया, भले उसको हम शिव कहें या विष्णु कहें, कुछ भी कहें, किसी रूप में मान ले, लेकिन हमने उनकी प्रार्थना हमेशा उसको सजोने की बात की थी। ये एनर्जी इतनी जल्दी तो नहीं कोई खत्म होने वाली है। का मानना है कि साल 2030 तक सूर्य की गतिविधियों में लगभग 60% की कमी आएगी, और ऐसी ही परिस्थितियां साल 1645 में देखी गई थी, तब धरती पर लघु हिमयुग की शुरुआत हुई थी। वहीं कुछ अध्ययन में पाया गया है कि सौर चक्रों में पहले जैसी निरंतरता नहीं है। इन सौर चक्रों के दौरान उठने वाली चुंबकीय तरंगों का स्तर भी अलग अलग देखा गया है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि साल 2030 और 40 के दौरान सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में एक ही समय पर तरंगे उठेंगी और दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को तकरीबन खत्म कर देंगी। इससे जहां सूर्य की आग शांत पड़ जाएगी, वहीं ये धरती पर हिमयुग की शुरुआत के संकेत भी हैं। इससे पहले ऐसे ही घटना 1645 से 1715 के बीच देखी जा चुकी है, तब लंदन की टेम्स नदी पूरी तरह से जम गई थी। देखिए, सूरज का जो परिवर्तन अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो इस समय 22.43 डिग्री पर घूमती है, वो एक साल में 365 दिन में सूर्य के भाई एक चक्कर लगाती है और अंडाकार रूप में, इलिप्टिकल कहते हैं, तो कहीं पर वो
वो समय आता है जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य के तरफ हमेशा बहुत से भाग दिखते हैं, तो वहां गर्मी का असर होता है भारतवर्ष जैसे देशों में, और जहां पर दूसरी तरफ चली गई तो आज जाड़े का मौसम दिखने लगता है। तो ऐसे उत्तरी ध्रुव पर तो बहुत ही कम कहीं रोशनी नहीं पड़ती है, दक्षिणी ध्रुव पर तो वहां तो ये स्थितियां होती है, इसमें हमेशा चक्र में परिवर्तन दिखता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक 5 हिमयुग का पता चला है। ये सबसे प्राचीन हिमयुग था जब लगभग 2.1 अरब वर्ष पहले अपने चरम पर था। इसमें बहुत ही भयंकर सर्दी हुई थी और हिमयुग लंबे अरसे तक रहा। ये आज के लगभग 63 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और पिछले 1 अरब वर्ष का सबसे भयंकर हिमयुग माना जाता है। इसमें पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी और माना जाता है कि उस समय अंतरिक्ष से देखने पर यह पूरा सफेद बर्फ का गोला नजर आती थी। ये एक छोटा हिमयुग था जो आज से लगभग 46 से 43 करोड़ साल पहले घटा। ये 36 से 26 करोड़ पहले घटा। उस पृथ्वी पर वनस्पति और पौधे बहुत घने और विशाल हुए। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, जिससे धरती पर तापमान काफी गिर गया और हिमयुग शुरू हो गया। ये वही हिमयुग अभी चल रहा है और करीब 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस हिमयुग में तापमान और हिम का प्रकोप ऊपर नीचे होता रहा है, जिससे समुद्रों का पानी भी ऊपर नीचे उठता रहा है। हमें लगता है कि हम वैज्ञानिकों ने जो हिमयुग की चर्चा की है, अभी 45 से 30 साल का 77 तक बताते हैं पिछला हिमयुग रहा। हम तो अपने हमारी तो पैदाइश 46 है, हम अपने पीरियड में ऐसा तो हिमयुग का कोई अनुभव नहीं किए। हाँ, ये ठंडक पड़ती थी, कोहरे पड़ते थे जाड़े में, तो जाड़ा ये तो एक नॉर्मल है कि कुछ चीजों में अधिकांशता परिवर्तन कुछ दिनों बाद अगर आता है एक समय के अंतराल पर, तो उसको हिमयुग नहीं कह सकते। आज जो हिमयुग की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, अगर हम पूरा ऐसा 1,20,00,000 स्क्वायर किलोमीटर अगर हमारा उत्तरी ध्रुव से सारा सारा वहां से बर्फ निकल रही है, और यही करीब इसी का 1,20,00,000 के स्क्वायर मीटर अगर दक्षिणी ध्रुव से निकल जाए, जो कि देखिए दोनों में अंतर है, वहां पर 90-90 डिग्री से 60 से -90 तक था, यहाँ पर 40 है, 20 से 40 है, तो अभी तो यहाँ पिघलना है, दरारें पड़ी हैं अभी, और ये तो अभी उत्तरी ध्रुव की बातें हैं। तो ये देखिए एक स्थिति आपको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता दें कि पानी खौलता है तो बॉयल करता है तो भाप हम कहते बन रही, लेकिन वेपराइजेशन हर टेम्परेचर होता है। इस समय भी कपड़ा आप बाहर फैला दीजिए सूखेगा, -डिग्री पर भी कपड़ा सूखता है, तो वेपराइजेशन होता है। अगर हमारी -20 की भी है तो वो वेपराइजेशन, वो ठंडी वेपराइजेशन जो हवा चारों तरफ फैल रही पूरे विश्व में, यही तो है ठंडक का कारण। आप ये इसको क्यों नहीं मानते हैं? माना यह भी जाता है कि पिछला हिमयुग 25,80,000 साल पहले आया था, जो 11,000 साल पहले खत्म हुआ। हिमयुग में पृथ्वी का तापमान बेहद कम हो जाता है, चारों तरफ बर्फ का राज हो जाता है और पूरी धरती बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। में जो बिखराव की स्थिति दिख रही है, मतदाव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां तक आना पड़ा, ये कैसे?
कैसा माहौल, क्या ये चुनाव को सामने जाते वक्त ये ठीक है आपको लगता है? नहीं, कभी कभी लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, गुटबंदी नहीं हो सकती, विचारों का आदान प्रदान होता है। जो गुरदास कामत किन उनका लगातार नाराज होना संजय निरुपम के खिलाफ, राहुल जी ने इन सब चीजों को सुनने के बाद, जानने के बाद